नॉट अलाउइंग। प्रमोद जी आपको इजाजत नहीं, प्लीज। संसद में आज भी विपक्ष ने सरकार पर तमाम आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों और अन्य के खिलाफ सीबीआई, ईडी और अन्य सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग पर चर्चा करने के लिए राज्यसभा में नियम 267 के तहत सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया। राज्यसभा में 267 के तहत चर्चा ना होने पर सांसदों ने हंगामा किया। उपसभापति की इस नियम के तहत सभापति की कंसेंट होना जरूरी है, लेकिन इन चर्चाओं पर सभापति का कंसेंट नहीं है, इस पर राज्यसभा में हंगामा हो गया। उन्होंने कहा कि जो विषय लिस्टेड है उन्हीं पर बोलने दिया जाएगा। शून्यकाल के दौरान सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया। हाय, मेरा नाम है सृष्टि और आप देख रहे हैं संसद में आज दिन भर। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सरकार के प्रयासों की वजह से पिछले साल की तुलना में इस साल पराली जलाने के मामले में 32% तक की कमी आई है। पिछले साल 2021 में पराली जलाने के 78,550 इंसिडेंट्स दर्ज किए थे, लेकिन इस साल 53,900 केसेस ही सामने आए हैं। इसका श्रेय भारत सरकार के कानून को जाता है, जिसके अंतर्गत हमने नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग अथॉरिटी का निर्माण किया है। सरकार के प्रयासों के कारण पिछले वर्ष की तुलना में जो पराली जलाने का जो विषय होता था उसमें 32% की कमी आई है। पिछले वर्ष 2021 में 78,550 इंसिडेंट हुए थे, उसके मुकाबले इस वर्ष 53,900 इंसिडेंट हुए हैं। उसका जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है भारत सरकार के उस कानून को जाता है, जिसके अंतर्गत हमने नेशनल ये एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग अथॉरिटी का निर्माण किया है, क्योंकि दिल्ली का जो वायु प्रदूषण है वो दिल्ली नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों के कारण है। इसको NCR भी नहीं मानना चाहिए बल्कि एयर शेड की पहचान को हमने एक तरीके से कानूनी स्वीकृति दी थी। इस एयर शेड के अंतर्गत हमने पराली जलाने का जो विषय है उसमें किसानों को काफ़ी हद तक साथ लेने का काम किया, और हरियाणा सरकार तो विशेष रूप से बधाई की पात्र है कि हरियाणा में 40% से ज़्यादा पराली के जलाने में कमी हुई है। दिल्ली का जहाँ तक केंद्र सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों का विषय है, दिल्ली में प्रदूषण सबसे पहला वाहनों के कारण होता था। 2014 में जब से हमारी सरकार आई है, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे उसको पूरा करने का सरकार ने काम किया है, तो जो अब बाहर से जो कमर्शियल व्हीकल आते थे वो दिल्ली के बाहर से जाने लगे हैं। दूसरा, जो व्हीकल पॉल्यूशन होता था उसको हम BS4 से BS6 में लेके गए हैं। तीसरा, जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होता था दिल्ली में, हमने 100% PNG कर दिया है, और NCR के जो दिल्ली के आसपास के इलाके हैं उधर भी अब हमने लगभग 30-40% PNG के विषय को आगे बढ़ाया है। दिल्ली के आसपास जो हमारे ईंट भट्टे के जो लोग थे उन्होंने भी हमारा अच्छा सहयोग किया, और ईंट भट्टों को हम जिगजैग टेक्नोलॉजी के ऊपर लेकर के गए हैं। दिल्ली में पूरी तरीके से जो डीजल के जो जनरेटर थे उसके प्रयोग पर हमने पाबंदी लगाई। इससे पहले ही जब हमने पिछले साल मॉनिटरिंग करी थी तो गुड़गांव में लगभग 73 सोसाइटी डीजल पे आश्रित थी, जिसको हम रिड्यूस करके 3 लेकर के आ गए हैं। वाहनों द्वारा प्रदूषण की निगरानी के लिए भी जहां हम इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा दे रहे हैं वहां प्रदूषण नियंत्रण का भी प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को हम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो निर्माण कार्यों में प्रदूषण हो रहा है उसके लिए भी डस्ट मैनेजमेंट के लिए हम कर रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण में हमने एक और जो चीज़ देखी है कि खुले में जो कचरा जलाना है तो खुले में कचरा जलाने को हम पूरी तरीके से रोक रहे हैं। और दिल्ली के पॉल्यूशन में जो वासनिक जी कह रहे थे, इस बार केवल एक ही दिन ऐसा रहा है, बाकी औसत हमारा बहुत अच्छा रहा है। और हम लोगों ने इस अपने कमीशन के द्वारा ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान फॉर दिल्ली हमने लागू किया है, और ये इतना सिस्टमेटिक होने लगा है कि जैसे ही AQI का स्तर जब ज़्यादा खराब पे जाता है तो ऑटोमेटिक वो प्लान अपने एक्शन में आ जाता है। और मेरे को लगता है कि NCR के जो हमारे आसपास के भी राज्य हैं वो इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं, और सरकार के द्वारा बनाए गए इस प्रगतिशील कानून का असर आज हम दिल्ली के प्रदूषण नियंत्रण। धन्यवाद माननीय। लोकसभा में सवाल किया गया कि भूमि अधिग्रहण, वन भूमि सहित अन्य भूमि राजस्व के मामले पेंडिंग है। इस पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में कहा कि देश में अभी 1,74,327 केस पेंडिंग है, और स्वाभाविक तौर पर ये निर्णय हाईकोर्ट में लिया जाता है, कुछ केसेस सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। सुनिए केंद्र मंत्री नितिन गडकरी ने क्या कहा। अभी हमारे देश में काला ने निर्णय करने के बाद
174,327 केसेस पेंडिंग है और स्वाभाविक रूप से उस केसेस में निर्णय होने के बाद हाईकोर्ट में जाती है, फिर कुछ केसेस सुप्रीम कोर्ट में जाती है। अगर हम हाईकोर्ट के लेवल पर या उसके काला आर्बिट्रेशन के निर्णय पर मान्य करते हैं तो इंक्वायरी करने वाले पूछते अधिकारियों को कि आपने अपील क्यों नहीं किया, उसके इंटेंशन को चैलेंज करते हैं। उस डर के कारण कोई निर्णय नहीं हो पाता और इसके कारण लोगों को भी तकलीफ होती है और काम भी सफल होता है। वैसे जो काला होता है हमारे देश में, लैंड एक्विजिशन जो होता है वो राज्य सरकार का और भारत सरकार दोनों का अधिकार है, क्योंकि ये कॉन्करेंट कानून बनाने का अधिकार हमारा है और नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार का है, और हमारा भी 1956 का NH का एक्ट है। पर ये सब बातों को देखते हुए काला ने निर्णय करने के बाद ये जो आर्बिट्रेशन में केसेस जाती है इसकी संख्या कम हो और ट्रांसपेरेंसी से कम समय में इंडिपेंडेंट, इम्पार्शल और फेयरली निर्णय हो, इसका हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। बीच में हमने एक विशेष रूप की योजना की थी, भूमि राशि पोर्टल खोला था, उसमें हमने काफ़ी बड़े प्रमाण पर 11,808 नोटिफिकेशन निकाले और कुछ राहत मिली है। फिर भी अभी समस्या बहुत बड़ी है और इसलिए लॉ मिनिस्ट्री के साथ बैठकर सब लोगों से चर्चा करके हम इसके ऊपर आर्बिट्रेशन में काला के निर्णय के बाद ट्रांसपेरेंसी के साथ इंडिपेंडेंट, इम्पार्शल, फेयर, टाइम बाउंड ऐसी कोई निर्णय प्रक्रिया हो सकती है क्या, जिसके कारण ये कोर्ट की प्रक्रिया लंबी होती है और जिनके जमीन जाती है उनको जमीन के पैसे भी नहीं मिलते। दूसरी और एक बात इम्पॉर्टेंट है कि इस कानून में एक बात ऐसी भी रह गई है कि हम जहाँ जमीन एक बार नोटिफिकेशन निकालते हैं और बाद में हमारी अलाइनमेंट बदल जाती है तो हम उनको जमीन भी वापस नहीं कर सकते और हम पैसा भी नहीं देते। तो ऐसी कानून में उसकी प्रोविजन नहीं है। तमिलनाडु के एक MP है, उनकी समस्या हम उसको सुलझा नहीं पा रहे, तो इसलिए इन सब बातों को विचार करते हुए इसको ट्रांसपेरेंसी के साथ करप्शन फ्री, टाइम बाउंड और सिस्टम को कैसा करें इसको हम सोच रहे हैं। फिलहाल संसद से आज इतना ही। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।